हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों आज बहुत लंबे टाइम के बाद हम फिर से आए हैं ब्लॉग में। तो भाई हाँ, 2 हफ्ते हो गए भाई, क्योंकि काफ़ी रश था और मौसम भी यहाँ पे ना पूरी धुंध वाला था, तो कहीं नहीं जा सके और फिर ब्लॉग भी नहीं बनाया। और आज हम शुरू करने वाले हैं इन सब से। गाइस, हमने लाइब्रेरी से काफ़ी बुक्स लाई हुई थी। ये देखो भाई, कितनी सारी बुक्स हम लेके आ रखे हैं घर पर, और आज ये सारी बुक है ना वापस लाइब्रेरी में जाएंगे। तो गाइज आज हम आपको दिखाने वाले हैं इलाहाबाद की लाइब्रेरी। तो गाइज चलिए चलते हैं, और मेरे साथ में है लड्डू। चलें लड्डू, चलो। तो गाइज चलो चलते हैं लाइब्रेरी में। हेलो गाइज, तो भाई लाइब्रेरी वाला तो पोपट हो गया। लाइब्रेरी तो आज बंद है, शायद कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ जो लाइब्रेरी है यहाँ पे। तो गाइस ये है इलाहाबाद की लाइब्रेरी, और कुछ कंस्ट्रक्शन की वजह से आज शायद लाइब्रेरी बंद है, अदरवाइज तो खुली मिलती है संडे को भी। गाइस ये तो पोपट हो गया, तो अभी चलते हैं हम रवि गिजवानी के पास। उसने नया घर बनाया है, तो जाके वही देख के आते हैं और देखते हैं उसने क्या तैयार किया भाई। लेकिन उससे पहले रवि को फोन मिला लेते हैं, कहीं वहाँ पे वो भी ना हो तो आज हमारा सारा सारा पोपट हो जाए। तो ठीक है, पहले फोन करते हैं। हेलो गाइस, तो भाई हमने एंट्री कर ली है रवि के घर में। कंस्ट्रक्शन चला रखा है इसने, अभी पत्थर पत्थर लगवा रहा है। चलते हैं देखते हैं कहाँ पे है वो। तो भाई ये बनाया है उसने किचन, और ये आउटडोर एरिया, यहाँ पे वॉशिंग भी है। अरे भाई फिर अभी इससे पहले मिलते हैं, फिर वो ही बताएगा कहाँ पे क्या कर रहा है। तो भाई ऊपर चलते हैं, शायद ऊपर ही होगा। ये क्या है? भाई खाट तो खाली पड़ी है। बंदा गया कहाँ पे? खाट पे भी ना बैठा भाई, है कहाँ पे जनाब? भाई ये जो बोतल देख रहे हो ना आप, ये ऐसे मत समझना बियर की बोतल है, तेजाब है। एक बाथरूम यहाँ पे भी बना रखा है, रेलिंग वेलिंग। और भाई गली में चल रही है क्रिकेट, अभी मैं आपको दिखाता हूँ क्रिकेट का नज़ारा। तो गाइस बॉलर तैयार, बैट्समैन भी तैयार, और ये भाई। तो गाइस फर्स्ट फ्लोर पे भी नहीं मिला रवि, और ग्राउंड फ्लोर पे तो था ही नहीं। तो अब चलते हैं टॉप फ्लोर पे और देखते हैं वहाँ पे रवि है, नहीं तो फिर उसको फ़ोन करके उसके पुराने घर से बुलाते हैं। तो गाइस यहाँ पे भी नहीं दिख रहा वो, तो पर उसके घर से मैं व्यू दिखा देता हूँ भाई। उसके घर से ये माता वैष्णो धाम बिल्कुल पास में, और उसके बाद ये है भाई इलाहाबाद का नज़ारा टावर, और यहाँ से हमारा घर भी दिखता है। दिखता है ना हमारा घर? वैसे नहीं दिखता साफ साफ, लेकिन बिल्कुल पास में ही है। ये अपना घर है। अरे हाँ दिखता नहीं, चलो हमारा घर यहाँ से दिखता नहीं भाई। और इधर की साइड में क्या बनाया उसने? अच्छा वाटर टैंकियाँ रखी है यहाँ पे, वो भी छाया में, मतलब गर्मी में ज़्यादा गर्म नहीं होगा पानी।
बुलाएं उसको फोन करके, है नहीं यहाँ पर भी। और गाइस रवि के घर से ये दिखता है सुनील सरदाना का घर, अभी मैं आपको मिलवाता हूँ सुनील से। ये है सुनील सरदाना का घर भाई, रवि के घर के बिल्कुल सामने। भाई रवि भी आ रहा है अपने पुराने घर से निकल के, और इधर सामने सुनीत। अरे सुनीत बाबू कैसे हो? बढ़िया बढ़िया एकदम। लोगों को घर पे बुला लेते हैं उसके बाद फिर मिलते नहीं है। ये कल्लू मामा, मैं पानी पीने गया हूँ, इधर दूसरा बैठ। हेलो गाइस, तो रवि के घर से घर पे आ गया हूँ, मेरे घर पे। और भाई बहुत जोर की भूख लगी है, और किचन में जाके देखते हैं क्या तैयारियाँ चल रही है। अरे वाह, किचन में तो दो बंदे काम पे लगे हैं भाई, एक तो भानु और एक इंदु। क्या बना रही है? छोला है, छोलियों की सब्जी। अरे वाह ये तो मस्त, और साथ में क्या आलू, वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो गाइस जब तक सब्जी रोटी तैयार होती है मैं लेता हूँ धूप के मज़े, तो भाई चलो तब तक चलते हैं। और गाइस धूप में बैठ के पढ़ते हैं कोई पुस्तक, और सबसे पहले मैं उठा लेता हूँ ये वाली। चल कोई बात नहीं, छोटी मोटी है। तो गाइस पहुंच गए हम धूप के अंदर, और चारपाई भी लगी पड़ी है, क्या बात है। तो गाइस ये है हमारा लंच। तो गाइस चलिए करते हैं लंच, और उसके बाद उड़ाएंगे पतंग। हेलो गाइस, तो पतंग उड़ाने के लिए मैं पहुंच गया हूँ टॉप फ्लोर पे। तो पतंग उड़ाने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ व्यू कैसा है। तो भाई ये है शाम का नज़ारा, इलाहाबाद के शाम का नज़ारा, बहुत ही खूबसूरत। ओ ओ, और भाई सामने चंदन भी पतंग उड़ा रहा है। चंदन तो क्या ही उड़ा रहा है, काना उड़ा रहा है पतंग। मैं अभी आपको दिखाता हूँ थोड़ा और जूम करके। ये देखो भाई काना और परी लगे हुए हैं पतंग उड़ाने के, चंदन भी। अरे काना कोई नहीं सुना। तो भाई चलो मैं अभी पतंग और चरखी निकाल ही लेता हूँ, बहुत टाइम से पतंग नहीं उड़ाया। हाँ तो गाइस बड़े दिनों के बाद इस चरखी को और पतंग को संभाला है। पतंग भी यहाँ पे बड़े बड़े फट गए लगता है, यहाँ पे कोई भी साबुत नहीं है, सबका चकनाचूर। ये कुछ ठीक दिख रहा है, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है। हेलो गाइस, तो भाई पतंग उड़ा लिया है, पर पतंग उड़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि खाली सिर्फ मैं ही हूँ जो पतंग उड़ा रहा है, और कोई पतंग नहीं उड़ता दिख रहा। एक पतंग है जो काना ने उड़ा रखा है, तो वो काफ़ी दूर है, तो उससे तो पेचे हो नहीं सकते।